तो दोस्तों वन प्लस नोट लॉन्च हो चुका है यार। 5G फोन में पहली बार इस प्राइस में देखने को मिल रहा है, वो भी वन प्लस का। आपने वन प्लस नोट की बहुत सी अनबॉक्सिंग वीडियो देख भी ली होंगी, फिर भी आप कंफ्यूज है कि वन प्लस नोट लिया जाए या नहीं लिया जाए, लिया जाए तो कौन सा वेरियंट लिया जाए। मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको डिटेल से इसका एक पूरा रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि वन प्लस नोट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए कौन सा वेरियंट आपको लेना चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया जरूर से कर लीजिएगा। इसके बॉक्स में मिलता है 30 वाट का फास्ट चार्जर, टाइप सी पोर्ट, केस और वन प्लस नोड फोन। तो स्टार्ट में डिस्प्ले की बात करें तो ड्यूल पंच होल वाला डिस्प्ले है, 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस फैल्यूड एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है, और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो एक तो एमोलेड डिस्प्ले, ऊपर से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो डिस्प्ले एकदम से कमाल का बन जाता है। और इस प्राइस में पहली बार ऐसा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। अगर आप मूवी वीडियो वगैरह देखते हैं तो एकदम से कमाल का डिस्प्ले, अपन चिकलर वगैरह दिखेंगे तो एकदम से जबरदस्त डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस प्राइस में। अभी डिजाइन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, काफी प्रीमियम फोन लगता है, स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएंगे। और यहाँ पे अच्छी बात है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी हुई है। यह 4115 mAh की बैटरी है, 30 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स में मिल जाएगा, और कंपनी का दावा है कि 30 मिनट में ये 70% चार्ज हो जाता है। अभी कैमरे की बात करें तो पीछे की साइड में क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, जिसमें कि सोनी का IMX586 सेंसर का यूज किया गया है। तो कैमरे की क्वालिटी एकदम से कमाल की आने वाली है, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल का है, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसमें सोनी का IMX616 सेंसर यूज किया गया है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तो यहाँ पे जो रियर कैमरा हो चाहे फ्रंट कैमरा, दोनों में ही सोनी का सेंसर यूज किया गया है, और फ्रंट कैमरा भी इसका काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सोनी का 616 सेंसर यूज किया गया है। तो एकदम से कमाल के दोनों कैमरे देखने को मिल जाते हैं, और दोनों कैमरों से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, और जो रियर कैमरा है उसमें OIS का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो कैमरा एकदम से जबरदस्त है, और परफॉर्मेंस के मामले में आपको पता है स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर है, ये 5G प्रोसेसर और ये 5G फोन भी है। आगे जब 5G कनेक्टिविटी आती है इंडिया में तो ये आपके काम आ जाएगा। तो यहाँ पे गेमिंग के मामले में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, गेमिंग वगैरह आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। तो वन प्लस नोट पहली बार 5G फोन आपको इस प्राइस में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कमी क्या आती है वो आपको बता देता हूँ। इसका जो बेस वेरियंट है 6 GB रैम के साथ 64 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस है 25,000 रुपये। दूसरा जो 8 GB के साथ 128 GB का स्टोरेज है, उसकी प्राइस है 28,000 रुपये, और तीसरा 12 GB के साथ 256 GB 30,000 रुपये की प्राइस है। तो यहाँ पे जो बेस वेरियंट है 25,000 रुपये की प्राइस में आता है, 6 GB के साथ 64 GB का स्टोरेज है, इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते फोन में, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। आप ज्यादा हैवी यूजर है तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 64 GB स्टोरेज से कम नहीं चलता है, आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, सिर्फ यही आपको एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ आपको बता दूं कि अगर आपका बजट पूरा 25,000 रुपये या आप ऊपर ज्यादा नहीं जा सकते, तो ये आप वेरिएंट जरूर से ले सकते हैं, और ये वेरिएंट आपको अभी नहीं मिलेगा, 1.5 महीने के बाद में मिलेगा। जो इसके अलावा जो दूसरे वेरिएंट है 8 GB 128 GB और 256 GB वाले, वे वेरिएंट आपको 4 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो बेस वेरिएंट है 6 GB 64 GB वाला, वो अभी नहीं मिलेगा, 1.5 महीने बाद में मिलेगा। लेकिन मैं मेरे हिसाब से आपको बताऊं तो जो 6 GB 64 GB वाला वेरिएंट है वो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए 25,000 की प्राइस में, क्योंकि आप हैवी यूजर हो या ना हो, लेकिन 64 GB का स्टोरेज है वो कम पड़ ही जाता है। आप वो मूवी वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं कम पड़ जाता है। आप लीजिए 28,000 रुपये वाला 8 GB के साथ 128 GB वाला स्टोरेज, या फिर अगर आप उससे 2,000 रुपये और जाते हैं तो फिर आपको डबल मिल जाता है, 8 GB रैम की बजाय आपको मिल जाती है 12 GB रैम, और 128 GB स्टोरेज की बजाय आपको मिल जाता है 256 GB का स्टोरेज। तो मेरे हिसाब से जो 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है 30,000 की प्राइस में, वो सबसे जबरदस्त है। कि अगर आपका बजट सिर्फ 25,000 रुपये है तो आप 6 GB के साथ 64 GB वाला वेरियंट जरूर से ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी हो कि आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे जो दिक्कत आती है इसमें है कि 3.5 mm हेडफोन जैक आपको नहीं मिलता है, ये भी कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। बाकी मेरा होनेस्टिक साथ ओपिनियन दो आपको, तो वन प्लस नोट जिस प्राइस में लॉन्च हुआ है काफी अच्छा फोन है, 5G फोन है, पहली बार इस प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। तो 6 GB 64 GB वाला वेरियंट 25,000 में आपका फिक्स बजट, आप ऊपर नहीं जा सकते तो आप जरूर से ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से 8 GB 128 GB
बाकी दोस्तों आप बताइए आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिए। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।